हेलो क्लास, वंस अगेन आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो फॉर योर मैथ क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू टॉपिक दैट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, सो नाउ यहाँ को क्या टॉपिक की जो डेसिमल नंबर दिया रहेगा उनके डिवीजन करने, जैसे मल्टीप्लाई किया गया उसका, एडिशन किया गया, सब्ट्रैक्शन किया गया, ठीक उसी फॉर्मेट में डिवीजन भी होगा। सो डिवीजन का तीन तरीके हो सकते हैं, बाय, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड। सेकेंड होता है बाय होल नंबर, और थर्ड हो सकता है बाय डेसिमल। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर डिवीजन से रिलेटेड तीन टाइप चांस कंडीशन हो सकते हैं। पहला हो सकता है व्हेन वी डिवाइड द गिवन डेसिमल बाय 10, 100, 1000 और 10000 लाइक दिस। सेकंड वन बाय द होल नंबर एंड थर्ड वन बाय द डेसिमल नंबर। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक फर्स्ट वन दैट इज बाय 10, 100, 1000। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे रहा हूँ, मतलब एग्जांपल है। एग्जांपल गिवन डिवाइड, दिस वन इज एग्जांपल 14, एज गिवन 21.9 बाय 10, बी इज गिवन 1.62 बाय 10, सी इज गिवन 0.39 by 100, D is given 217.56 by 100, E is given 10.82 by 1000, and F is given 187.29 by 1। अगर मैं सॉल्व करूं तो रूल ये होता है, जैसे मल्टीप्लाई में क्या था कि कोई नंबर, किसी भी डेसिमल नंबर को हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ऐसे किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जिसके साथ जीरो लगा है, ठीक है। तो रूल कहा जाता है कि मल्टीप्लाई करते वक्त जितना जीरो लगा होता है नंबर के साथ, मल्टीप्लीकेशन के बाद उतना प्लेस डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो अगर वो मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, अब यह डिवाइड करेगा किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई इज जस्ट अपोज टू द डिवाइड, डिवाइड इज जस्ट अपोज में मल्टीप्लाई होता है, या डिवाइड इज जस्ट अपोज टू मल्टीप्लाई, या मल्टीप्लाई इज जस्ट अपोज टू डिवाइड। तो जो प्रोसेस में फॉलो करते हैं उसका जस्ट अगेंस्ट सिस्टम में करते हैं। तो इसमें क्या है कि जब किसी भी डेसिमल नंबर को, या किसी भी नंबर को, डेसिमल का किसी भी नंबर को ऐसे किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं जिसके लास्ट में जीरो लगा हो, तो डिवाइड करने पे जितना जीरो उस नंबर के साथ था उतना प्लेस डेसिमल प्लेस शिफ्ट होगा लेफ्ट को। उसके बाद अगर नॉन जीरो नंबर यानी जीरो के अलावा और कोई नंबर डिवाइड में जो दिया हो, अगर वन है तो सिंपल वन से डिवाइड करने पर वही का वही रह जाएगा, टू रहेगा तो टू से डिवाइड करो, थ्री है तो थ्री से, फोर है तो फोर से। मतलब पहले में क्या ध्यान रखना है, जीरो, जितना प्लस जीरो है उतना प्लस डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ये इसका मेन पॉइंट है। तो मैं सॉल्व करता हूँ, कर डिवाइड 21.9 बाय 10, 21.9 डिवाइड करो 10 से, अगर मैं इसको लिखूं तो लिखना 21.9 बाय कितना प्लस जीरो है, एक प्लस जीरो है ना, कितना प्लेस डेसिमल शिफ्ट होगा, वन प्लेस, और किधर जाएगा लेफ्ट में, तो जाएगा 2.19, अभी वन है ना, क्योंकि हमने जीरो के लिए शिफ्ट किया है, वन है बाकी, और कोई भी नंबर को वन से डिवाइड करो तो वही आएगा, तो हम कह सकते हैं 2.19। अब चाहो तो इसको आप बाईपास कर सकते हो, यानी इसको आप छोड़ के डायरेक्टली इससे कर सकते हो, क्लियर, क्योंकि जीरो से जितना प्लेस रहेगा जीरो उतना प्लेस डेसिमल शिफ्ट कर लेना, और वन से तो वही नंबर आएगा। तो मैं ये लिखने की कोई जरूरत नहीं सेकेंड वाला स्टेप, लेकिन एक्सप्लेन करने के वास्ते मैंने इसका ऐसे लिख दिया,
तो 21.9 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो डिवाइड कर रहा है यानी डिनोमिनेटर में जो है उसमें एक जीरो है। तो पहला रूल ये होता है जितना जीरो रहता है उतने प्लेस डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट होती है, एक जीरो है एक प्लेस हो गया तो जगह 2.19। और हम जानते हैं कि एक बचा है वन, तो वन से डिवाइड करें तो वही, और हम जानते हैं कि कोई भी नंबर को वन से डिवाइड करें तो वही आएगा, तो हम इसको चाहे तो बाईपास कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएंगे। ये हमारा क्या था, ए था। अगर मैं बी को सॉल्व करूँ तो बी है 1.62 और बाई 10। ये भी एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट करेगा, जब भी एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट करती है यहाँ चला आएगा और इसके इधर जैसे ही आएगा यहाँ कुछ नहीं तो डेसिमल लगा दोगे, लेकिन रूल होता है कि डेसिमल अगर आगे ऐसे लगाओगे तो सही नहीं रहता है, इसलिए आगे क्या लगा जीरो लगा दोगे। उसके बाद सी 0.39/100। यहाँ क्या है कि नॉन जीरो देखें तो 9 और 3 नॉन जीरो है, ठीक है, डेसिमल इनके पहले लगा है और दो प्लेस डेसिमल हमें शिफ्ट करने कर रहा है, अगर देखा तो जीरो है बस यहाँ पे तो चाहिए हमें दो। तो क्या करते हैं, अगर रूल कहता है कि डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते वक्त जितना प्लेस चाहिए उतना प्लेस नहीं बनता है, तो उतना प्लेस बनाने के लिए हम अपने तरफ से, ठीक है, जीरो ऐड कर सकते हैं, जीरो लगा ऐड मतलब क्या उनके आगे पीछे लगा सकते हैं, ऐड मतलब जीरो ऐड कर तो वही नंबर आएंगे, बात सही है, मतलब क्या अटैच कर सकते हैं आइदर इन द राइट और टू द लेफ्ट, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट में, डिवाइड करते हो लेफ्ट में, तो जब देखो दो जीरो है तो मतलब दो जीरो आगे आ जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई क्या नॉन जीरो नहीं है, तो दो प्लेस चाहिए हमने दो प्लेस, हमारे पास नॉन जीरो नहीं थे यानी 1, 2, 3 नहीं था, जीरो था बस वो भी एक था, दो बनाने के दो जीरो लगा दो और दो प्लेस जिसमें यहाँ हो जाएगा और क्या जाएगा। नेक्स्ट वन इज डी 217.56 को डिवाइड करना 100 से, तो आप देख सकते हो दो प्लेस जीरो पे है तो दो प्लेस डेसिमल शिफ्ट भी हो जाएगा, 2 डिजिट 0 है तो दो प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा और ये 2.1756। उसके बाद ई 10.82 और डिवाइड करना किससे, अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेसिमल हम दो प्लेस बस शिफ्ट कर सकते हैं, एक जीरो एक वन, यहाँ कितना है 3 प्लेस यानी एक प्लेस की कमी है, तो मैंने कहा जितना प्लेस की कमी होती है डिजिट का उतना प्लेस डिजिट हम जीरो लगा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं एक प्लेस डिजिट लगा देते हैं 1 0 बनेंगे 3 प्लेस, जीरो से स्टार्ट किया जीरो जीरो के बाद यहाँ से 0 1 फिर 0 अपने से लगा दिया 3 प्लेस के लिए यहाँ पे और तो भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं बट डेसिमल के साथ होता है क्योंकि रूल जैसे मान लो कि अगर 255 को डिवाइड करो 100 से तो क्या होगा, सिंपल सी बात है कोई नंबर में डेसिमल नहीं लगा है तो इसका मतलब होता है कि लास्ट में डेसिमल लगा हुआ है। इफ एनी नंबर इफ ए नंबर डोंट कैरी द डेसिमल इट्स मींस दैट द डेसिमल इज एट द राइट ऑफ द नंबर राइट साइड ऑफ द नंबर नंबर के तुरंत बाद, ठीक है, क्या है डेसिमल लगा है
और देख सकते हो कि कितना यहाँ प्लेस में लगा। इसके बाद चाहो तो 0-2 लगा सकते हो, ठीक है, एक या दो लगा सकते हो। अब ऐसा नहीं कि 5-6 लगा दो, मतलब ऐसा लगाना चाहिए कि और लगोगे। दो प्लस यहाँ पे है 0 का, तो लगाओगे 2 + 0 हो जाएगा 2.55। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नॉन जीरो नॉन डेसिमल नंबर भी है तो भी आप कर सकते हो, ऐसा नहीं बट डेसिमल के साथ अप्लाई होता है। उसके बाद डिवाइड बाय होल नंबर के थ्रू, तो एग्जांपल ऐसे दे रखा है, डिवाइड, एग्जांपल में सॉल्व कर रहा हूँ, 16.9 बाय 13, 13 से 16.9 को डिवाइड करो। तो जैसे ही होल नंबर वाला क्वेश्चन आएगा आप रेगुलर डिवीजन ही करोगे, जैसे आप करते आए हो वैसे ही करते जाओगे। तो 16.9 डिवाइड ना 13 से, ठीक है, तो जैसे डेसिमल भूल जाओ, ठीक है, जब डेसिमल यहाँ पे आएगा हम उसके साथ करेंगे वैसा, ठीक है। नॉर्मली प्रेजेंट टाइम में जैसे अब तक करते हैं डिवीजन वैसे ही करोगे, क्या आ जाएगा 1 टाइम। लेकिन ध्यान रखो बीच में डेसिमल ना आ जाए, ये भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि 16 है, 13 डिवाइड हुआ 1, 13, 3। अब क्या है, अब सॉल्व करने के लिए 9 को नीचे उतारना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। बट यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो डेसिमल है बीच में रुकावट बनेगा, इट विल क्रिएट ऑब्स्टेकल फॉर द कैरी डाउन द 9 को नीचे लाने में ये ऑब्स्टेकल होगा, रुकावट डाल सकता है, इसलिए इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे पुट किए, ठीक है, जैसे ये डेसिमल यहाँ पुट किया, सिंबल लगा दिया डेसिमल का, तो माना जाता है कि अब डेसिमल यहाँ से हट चुका है, यहाँ डेसिमल क्या हट चुका है, हट चुका है, अब यहाँ चला गया, अब 9 का वैल्यू कॉपी हो जाएगा, कितने टाइम, 3 टाइम, 13 3 जा, तो कितना आंसर आएगा 1.3। तो जब आप डेसिमल का डिवीजन करते हो बाई होल नंबर, तो सिंपल वहाँ कुछ करना नहीं होता है, आपको करना यह होता है कि बस ध्यान रखना होता है कि डेसिमल ना आए, अगर डेसिमल आता है तो तुरंत डेसिमल हटा देंगे, ऐसा कोई नंबर कभी आ रहा है कि नहीं, जैसे अगर मान लेते हैं कि होता 1.69 और 13 से डिवाइड करना होता तब हम क्या करते हैं, तो अगर जैसे मैं इसको लेता तो ये 1.6 आता, क्योंकि 1 तो डिवाइड होगा नहीं 13 से, तो 6 भी लेना पड़ता, लेकिन ये 1.6 है क्योंकि बीच में डेसिमल है, तो बस इसको 16 बनाना होगा, जैसा कि डिवाइड के लिए जरूरी है तो डेसिमल हटाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हर एक नंबर हर एक डेसिमल का कोई नंबर जो सही है नहीं, अगर डेसिमल के आगे नंबर है तो 0 लगाना पड़ता है सही मानने के लिए। अब यहाँ डेसिमल लगा दिया, अब यहाँ चला गया डेसिमल, यहाँ डेसिमल लगा तो यहाँ से डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया माना जाएगा, फिर 1 टाइम 13 3 9 3 टाइम, बस तीस तरह से क्या होता है डिवाइड किया जाता है। इसका नया वाला जो भाग वो दे रखा है, क्या डिवाइड 56.73 बाई 13, हमें क्या करना है 56.73 को 30 से डिवाइड करना है, तो 30 बड़ा नंबर है तो डिवीजन करना थोड़ा टफ होगा, और साथ साथ देख सकते हैं इसके साथ 0 भी लगा है, तो मैं ऐसा कुछ करते हैं 0 को पहले रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं 0 को, तो अगर देखा तो ये हो सकता है 56.73 डिवाइड बाई 30। अगर चाहो तो जैसा मैंने कहा था कि जितना प्लेस 0 होता है, जितना डिजिट का 0 होता है हम उतना प्लेस डेसिमल शिफ्ट कर लेते हैं, 5.673 बाई हो गया ना, क्योंकि हमने 3 से भी डिवाइड नहीं किया। अब हम डिवाइड करते हैं,
5.673 से 30 से डिवाइड करो चाहे इससे करो, इसमें 30 डिवाइड करो तो यहाँ पॉइंट डेसिमल यहाँ रहेगा और 3 से करोगे तो डेसिमल यहाँ जाएगा क्योंकि हमने जीरो को यूटिलाइज कर दिया, यूज कर दिया। क्या करेंगे, डेसिमल को शिफ्ट करेंगे किधर, लेफ्ट साइड में, पहले वन टाइम 3 2। अब क्या है कि अगर हमें सिक्स को नीचे कैरी करना है तो हमें डेसिमल पहले रिमूव करना पड़ेगा, तो डेसिमल यहाँ गया 26, कितने टाइम 8 24 2 7 तो कितने करना है 3। इस तरह से डिवाइड किया था, ध्यान रखोगे जब कोई नंबर हो जिसके लास्ट में जीरो है तो जीरो से डिवाइड में कोई खास मतलब नहीं, उतना बड़ा नंबर लेंस बेटर है कि पहले जीरो को यूज करके डेसिमल को शिफ्ट कर लो, जीरो को यूज करके डेसिमल को शिफ्ट कर लो। उसके बाद जो नॉन जीरो नंबर है यानी वह नंबर जो जीरो ना हो, जीरो को छोड़ के बाकी जो भी नंबर आप उनसे डिवाइड कर दो, उनसे क्या कर दो डिवाइड कर दो। नेक्स्ट बाय डेसिमल नंबर, अगर डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना होगा तो क्या करना होगा, दो करा दिया यह और यह, अब इसका नंबर तो क्वेश्चन दिया डिवाइड, मैं सीधा एग्जांपल हिसाब कर रहा हूं, डिवाइड 4.286 by 0.2 से इसको हमें डिवाइड करना है। तो अब तक जितने भी नंबर थे डिवाइड होने वाला नंबर, भले डेसिमल हो डिवाइड करने वाला कभी डेसिमल नहीं था, और रूल भी कहता है कि डिवाइड करने वाला नंबर कभी डेसिमल नहीं होना चाहिए, अगर डेसिमल में रहेगा तो डेसिमल रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि बिना डेसिमल को रिमूव किए तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही नहीं सकते। तो रिमूव कैसे करेंगे, तो पहले इसको लिखो फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से पी बाई क्यू, कितना प्लेस डेसिमल है एक प्लेस डेसिमल रिमूव करने के लिए हमें 1 के साथ 1 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 के साथ 1 जीरो लगा कर मल्टीप्लाई, जितना प्लेस डेसिमल रहेगा 1 प्लेस है तो 10 से, 10 से नीचे के तो 10 से ऊपर भी कर दूँ। अब रूल होता है कि जितना जीरो होता है मल्टीप्लाई करने के बाद उतना प्लेस डेसिमल राइट साइड में जाता है, यानी हो जाएगा 4.4286 क्योंकि 10 में 1 जीरो था जिसने क्या किया कि एक प्लेस डेसिमल को राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, इट बिकम नाउ 42.86, नीचे भी वही होगा, अब एक प्लेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 0.0। लेकिन हम जानते हैं कि जब कोई नंबर डेसिमल नहीं तो लास्ट में डेसिमल आने का मतलब नहीं बनता, ये हो गया। अब डिवाइड करो 2 से 2 टाइम 4 फिर 2 1 टाइम। अब क्या है कि आगे अगर कॉपी करना है तो पहले डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा, कर दो रिमूव 8 आ गया 4 टाइम 6 3। सो अगर देखा जाए तो इसका आंसर आएगा 21.2। तो रूल कहता है कि अगर डिवाइड करने वाले के में डिवाइड करने वाले यानी जो डिवाइडर है अगर उसके साथ जीरो लगा है तो हमें जीरो को रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होता है, जितना प्लेस डेसिमल है ठीक है उतना प्लेस डेसिमल उतने जीरो के साथ 1 के साथ उतना जीरो लगा कर मल्टीप्लाई करो ताकि हट जाए, नीचे भी करोगे और ऊपर भी, नहीं तो नॉर्मली ये भी कहता है कि यहाँ एक प्लेस डेसिमल है तो ये एक प्लेस इसका इधर कर दो एक प्लेस ऊपर वाले का इधर कर दो, जैसे एक प्लेस इसका इधर करो यहाँ पहुंच जाएगा और इसका यहाँ पहुंच जाएगा और इसके लास्ट में तो हमें लगाने की जरूरत नहीं है और ये ऐसा हो जाएगा डिवाइड कर दिया ठीक है। तो आप ऐसे सब क्वेश्चन कर लोगे, मैंने सभी एग्जाम्पल बता दिए, आप एक्सरसाइज करोगे, जो भी इसमें डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।